भाई वो तो जीत हार जीत है, ये बेईमानी कर रहे हैं। ईवीएम के अंदर आप कोई भी बटन दबाओगे तो आपको है ना तो कमल ही आएगा। नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, तारीखों का ऐलान भी हो गया। अलग अलग वोटर्स हैं, अलग अलग जाति हैं, कहीं पाटीदार हैं तो कहीं मुस्लिम समाज है, कहीं हिंदू, कहीं जो है दलित है, ये तमाम चीज़। तो वोटों का समीकरण क्या रहेगा, ये बहुत बड़ा फर्क डालने वाला है। इस बीच में चाहे वो बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस, ज़बरदस्त जो है टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन जनता का रुख क्या है, जनता के मन में क्या सवाल है, चाहे वो मोदी जी को लेकर हो, भूपेंद्र पटेल जी को लेकर हो या आम आदमी पार्टी को लेकर हो, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इस बीच में 8 से 9% गुजरात में मुसलमान हैं, मुसलमानों का वोटर किसके पास जाएगा, वो किसका खेल बिगाड़ेंगे, क्या रुख रहेगा, और सबसे अहम बात, बीजेपी की सरकार से मुसलमान कितना खुश है, ये जानना बेहद ज़रूरी है। इसी को जानने के लिए आज मैं आ गए हूँ। इस भीड़ में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं। ये अहमदाबाद का जो है जगह है उसमें जाने की कोशिश, तीन नगर जगह। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम दीन मोहम्मद है। दीन मोहम्मद साहब, यहीं से शुरुआत करते हैं कि मुसलमानों के मूड में क्या है, गुजरात सरकार को लेकर कितना कामकाज की है, क्या काम की है? भाई मुसलमानों के मूड में तो ऐसा है कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान जान रहे हैं कि बीजेपी जो पार्टी है मुसलमानों के खिलाफ वाली पार्टी है, बराबर। और अभी जो गुजरात के चुनाव हो रहे हैं उसके अंदर एक भी ये लोग मुस्लिम कैंडिडेट्स को लेना नहीं चाहते। गुजरात सरकार ने काम किया या नहीं? गुजरात सरकार ने क्या काम किया? कुछ नहीं किया गुजरात सरकार ने काम किया। लोगों हाँ बताओ, मोदी जी कहते हैं, गुजरात सरकार बोलती है युवाओं को रोजगार दिया, शिक्षा व्यवस्था शानदार कर दिया है, स्कूल बना दिए हैं वो भी केजरीवाल से शानदार बना दिए हैं, महंगाई कम कर दिया है, गुजरात चमक रहा है, जैसे अभी आप इस लाइट में चमक रहे हैं कैमरे पे, ये इतना काम लोग बता रहे हैं। अरे भाई बोलने से क्या होता है, आज देश में मतलब झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहा है, पक्का झूठ बोल रहा है। वो बोलता है डबल इंजन की सरकार है, तो अभी महंगाई तो डबल हो गई है। वो बीजेपी का पूरा हिंदुस्तान का एक भी कैंडिडेट महंगाई पे एक अल्फाज नहीं बोल रहा है, बराबर। और डॉलर कितना गिर रहा है, देखो हिंदुस्तान का डॉलर कितना गिर रहा है। और इन्होंने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, बराबर, तो अच्छे दिन कहाँ है, तो प्रजा के तो खराब दिन आ गए, अच्छे दिन तो इन लोगों के आ गए। भाई मोदी जी तो कह रहे हैं देश आज तरक्की कर रहा है, तो अच्छा नहीं लग रहा आपको? अरे भाई तरक्की होगी तो अच्छा लगेगा, तरक्की तो है ही नहीं। क्या तरक्की नहीं हो रहा है? देखो हिंदुस्तान के जितने भी पीएम आए ने उसके अंदर सबसे ज्यादा बेइज्जत ये मोदी हुआ है। काहे क्या देख लो ना भाई, पूरा अमेरिका, रूस, जापान, यूक्रेन सब लोग कह रहे हैं भाई मोदी है तो मुमकिन है। कौन बोलता है मोदी है तो मुमकिन है? मीडिया नहीं, चैनल नहीं देखते? हम देखते हैं, वो तो सब मोदी गोदी मुडिया वाले बोलते हैं ना भाई, जो स्वतंत्र मीडिया है, जो सही मीडिया बताने वाले हैं वो ये नहीं बोलेंगे। बताइए सही बात क्या है? सही बात यही है कि उन्होंने हिंदुस्तान को तबाह और बर्बाद कर दिया, उन्होंने बीएसएनएल को बेच डाला, रेलवे को बेच डाला, बराबर है। पर मोदी जी तो कह रहे हैं कि थोड़ी सी तकलीफ है सह लीजिए, आने वाला दिन अच्छा हो जाएगा। अरे कौन तकलीफ सहने की बात कर रहा है, वो लोग तो खूब रुपए कलेक्ट कर रहे हैं पब्लिक से, समझ गए। और देखो आज तक हिंदुस्तान में 47 के बाद जब तक कांग्रेस की हुकूमत थी तो आज तक खाने पे जीएसटी नहीं लगा इन्होंने। कांग्रेस जीत क्यों नहीं रही है? कांग्रेस क्यों नहीं जीत रही? भाई वो तो जीत हार जीत है, ये बेईमानी कर रहे हैं। ईवीएम के अंदर आप कोई भी बटन दबाओगे तो आपको है ना तो कमल ही आएगा। मतलब ईवीएम पे शक है आपको? 110% शक है। और ये लोग बोलते हैं कि हम भ्रष्टाचार, आज ही के हम न्यूज में हमने पढ़ा कि ये लोग बोलते हैं कि भ्रष्टाचार हम खत्म कर देंगे। बीजेपी के राज में सबसे भ्रष्टाचार ज्यादा हो रहा है। और यहाँ गुजरात के अंदर जब भी कोई मतलब ये आप कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी या बीजेपी जीत रही है ईवीएम के सहारे? बेशक यार, वही ईवीएम के अंदर ये लोग गड़बड़ कर देते हैं। हाँ, और इन लोगों ने जो इलेक्शन कमिश्नर होता है जो इंडिया का, उसको भी अपने ताबे में कर रखा है भैया। पंजाब में, दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीत जाती तो उसमें ईवीएम नहीं खेला होता? किस में? ईवीएम में। हाँ तो वो तो सब दूसरे जो पार्टी वाले होते हैं ना वो बिल्कुल अलर्ट रहते हैं भैया। हाँ तो अभी अलर्ट नहीं है? है? अभी अलर्ट नहीं है गुजरात के अंदर, लोग अलर्ट नहीं है ना भैया, अभी अब के अलर्ट रहेंगे। गुजरात की जनता का दिक्कत क्या है कि सरकार सही काम नहीं कर रही है, ईवीएम दिक्कत है? देखो गुजरात के अंदर बीजेपी की सरकार सही काम नहीं कर रही। अभी जब भी वैकेंसी पड़ता है तो जब वो पेपर फूट जाते हैं और उसके ऊपर गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही। धांधली, धांधली, धांधली को लेकर फ्रॉड, फ्रॉड, फ्रॉड बोलते हैं हम लोग। वो क्या है कि वो कोई एक्शन नहीं ले। अच्छा एक बात बताइए, पूरा हिंदुस्तान मोदी जी से खुश है जैसा कि मीडिया में दिखाया? भाई आप खुश होंगे, हम तो बिल्कुल खुश नहीं है भैया।
आप खुश नहीं है? बिल्कुल कतई नहीं। वो कहते ना कि हमने तो सोचा था फूल खिलेंगे, चुन चुन के देखा तो कांटे मिले, सभी परेशान है। और खाने की चीज पे इन लोगों ने 5% GST लगा दिया। आज तक कोई हिंदुस्तान में ऐसी हुकूमत नहीं आई जिसके अंदर खाने की चीज में इन्होंने GST लगा दिया। देखो दाल महंगी, चावल महंगा, गेहूं महंगा, दूध महंगा, दही महंगा, गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? ठीक है, एक सवाल का जवाब दीजिए, गुजरात सरकार से नाखुश हैं आप या मोदी जी से? गुजरात सरकार से या पूरी बीजे लॉबी से? हमको बीजेपी की लॉबी से नाखुश है। देखो बिल्किस बानू के केस के अंदर 6 इंसान को मर गए, रेपिस्ट, उनको बाहर निकाल दिया, बोलते वो अच्छे, वो आदमी कैसे अच्छा हो सकता है? आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस जो है कहाँ प्रोटेस्ट की आवाज कहाँ उठा रही है? आम आदमी प्रोटेस्ट नहीं उठा रही, लेकिन कांग्रेस ने तो आवाज उठाया भैया। कांग्रेस उठा रही है। लेकिन देखो हिंदुस्तान के अंदर जो न्याय तंत्र है ना, वो भी सही नहीं है। मोदी जी तो कह रहे कांग्रेस तो बर्बाद हो गई, खत्म हो गई, हमारे कॉम्पिटिशन में ही नहीं है। अरे भाई उसके कहने से क्या होता है? सच्चाई आप बताइए ना। मोदी इज नॉट गॉड, यू अंडरस्टैंड, मोदी इज नॉट गॉड। उसके कहने से क्या होता है? उनको पूछ रहे हैं तस्वीरें लगाकर उनका। सब लोग नहीं पूछ रहे, जो इनको पिट्ठू लोग है वो पूछ रहे हैं भैया, समझ गए? हम लोग नहीं पूछ रहे, समझे कि नहीं? आपको यकीन नहीं है मोदी जी पे? अरे हमको तो बीजेपी की पूरी लॉबी पे यकीन नहीं है। और दूसरी बात ये है, सुन लो मेरी बात, इसी मंत्री है जो गृह मंत्री है अमित शाह, उस ADC बैंक का डायरेक्टर था, उनने करोड़ों रुपए का कौभांड किया हुआ है। मैं अमित शाह पे आता हूँ, ये बताइए इसी हिंदुस्तान की आवाम ने उनको चुना है ना? किसने? इसी हिंदुस्तान की आवाम ने ना? आ तो पब्लिक को जानकारी नहीं, इसीलिए चुन के रख दिया। करोड़ों रुपए का ADC बैंक का करोड़ों का कौभांड किया, उसको देश का इन लोगों ने गृह मंत्री बना दिया है, समझे कि नहीं? जनता ने नहीं बनाया, जनता ने कहा बनाया है यार, ये लोग अंदर अंदर ही सब घाल मेल करते हैं। अभी मोरबी हादसा हुआ है, कैसे देख रहे हैं, कितना फर्क पड़ेगा? मोरबी हादसे के अंदर भी सब इन लोग ऑल करप्टेड, इतना भ्रष्टाचार है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, समझे? सीएम एक मिनट, सीएम भूपेंद्र पटेल के भी घर से तो गए हैं लोग, उनका भी तो इंतकाल हुआ? किसका? भूपेंद्र पटेल के घर से? उनके घर से कोई नहीं गया भाई, नहीं हुआ। गलत आ रही है। अच्छा, तो मतलब लोग जो मारे गए हैं तो उसको कैसे देख रहा है उस हादसा में, उसका कितना फर्क पड़ेगा? ये लोग हैं लाशों का व्यापार कर रहे हैं भैया, समझे? पॉलिटिक्स के अंदर लाशों का व्यापार कर रहे हैं, समझ गए? और जो मर गए, जो अपना मरता है ना उसको ही दर्द होता है, इन लोगों को कोई दर्द नहीं है, समझ गए? अरे तो पीएम मोदी साहब रोने लगे भाई, आप कैसी बात कर रहे हैं? अरे वो तो फिर कौन बोल रहा है रो रहे थे? मीडिया आप नहीं देखते, आप कह रहे हैं चैनल भी देखते, आप कह रहे हैं देखते भी नहीं है? अरे तो वो तो भाई दिखाने के आंसू है, दिल के अंदर दर्द होता तो फिर बाद में वो तो तुरंत प्रोग्राम करने लग गए, क्यों कार्यक्रम करने के लिए लग गए हैं? उसको तो बस एक ही है, सत्ता चाहिए, सत्ता। रोने लगे, एक बार रोने लगे, जाकर मिलने लगे। अरे भैया जो सूरज उगता है वो डूबता भी है, अभी उनका वक्त है, जितना करना है कर लेने दो, आज नहीं तो कल वो सूरज डूबने वाला है। चलिए, किसकी सरकार अबकी बार, किसकी सरकार? अरे भाई वो तो जिसकी भी आएगी, जो पब्लिक चाहेगी वो सरकार आएगी। आप किसको देख रहे हैं सरकार? हैं किसको देख रहे हैं आप किसको देख रहे हैं बंदा? वो तो कुछ कह नहीं सकते, तो भाई पब्लिक आएगी। आप पब्लिक हैं या आप भी पीएम हैं? हम पीएम नहीं, हम तो पब्लिक है। किसको देख रहे हैं सरकार बनता हुआ? किसको देख रहे हैं? तो अभी क्या मालूम, देखो अगर EVM बढ़िया चलेगा, नीति के साथ, ईमानदारी के साथ, मतलब EVM पे भरोसा, EVM की सरकार आपके पास? आम आदमी पार्टी। देखिए ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी तो झूठ बोलती है, आम आदमी पार्टी आएगी। ये कांग्रेस का कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी? कांग्रेस नहीं आएगी, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। भाई वो तो सबकी अपनी सोच है, किसी को कांटे पसंद है, किसी को फूल पसंद है भैया, बात समझते हो ना? आपको क्या पसंद है, कांटे या फूल? आम आदमी पार्टी पसंद है। चलिए, परिवर्तन। मोदी जी अच्छा काम नहीं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बोगस। हाँ, युवा को देख लेते हैं, किसकी सरकार? आम आदमी पार्टी की सरकार। चलिए एक आखिरी सवाल की तरफ रुक कर रहे हैं, और आखिरी सवाल में जानेंगे कि आखिर इसमें वाकई में आम आदमी पार्टी या फिर बीजेपी या कांग्रेस कितनी सीटें आ रही हैं इस बार। अगर 2017 में देखें तो 77 और 99 का खेल था, आम आदमी पार्टी नहीं थी, इस बार नई एंट्री हुई है। कितने सीटें दे रहे हैं आप आम आदमी पार्टी को? कौन? आम आदमी पार्टी को केजरीवाल? हम क्यों देंगे, वो तो पब्लिक देगी भाई। कितना लग रहा है कि ला सकते हैं? ऐसा हम कोई जजमेंट नहीं ले सकते, कोई आइडिया नहीं इसमें। कितनी सीटें ला सकते हैं? 10। 10 सीटें आम आदमी पार्टी ला सकती है। आप लोगों क्या लगता है आम आदमी पार्टी कितनी सीटें ला सकती है? हाँ, वो बताएं। चलिए, कितनी सीटें लाएंगे सर? कौन? हाँ, आम आदमी पार्टी? जीरो जीरो जीरो। और कांग्रेस? कांग्रेस लाएगी। कैसे हैं चाचा आप? जी अल्लाह का गरम है। आप गरम है?
अल्लाह का करम ठीक है, अल्लाह का करम है, ये तमाम चीज़ देख रहे हैं। बहरहाल अच्छा बोला इन लोगों ने, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। एक बात तो समझ में आ गया कि गुजरात चुनाव जो 27 सालों से आप देख रहे थे ना, वो तस्वीरें देखने को नहीं मिलेगा, उससे पूरा का पूरा उलटफेर यानी अलग देखने को मिलेगा। और इस बार भले ही जो ताकत, जो कुंबा गुजरात की सरकार और मोदी जी ने बना रखा, थोड़ा सा तो हिल तो जरूर गया, डगमगा गया। और वो चाहे वो बिल्किस बानो का मुद्दा हो या फिर मोरबी ब्रिज का मामला हो या फिर कांग्रेस और बीजेपी की एंट्री हो, देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या होता है। और सबसे अहम बात कि मुसलमानों का जो वोट है वो इस बार कौन ले जाएगा, ये सबसे बड़ा बात होगा। मोहम्मद आसिफ और सुमित कुमार की रिपोर्ट, स्पेन 9 न्यूज़।